घर के लिए प्लॉट खरीदने पर अब नहीं लगेगा जीएसटी। कैसे और भी महंगी हो सकती है कारें, और कच्चे तेल की कीमतों ने तोड़ा पिछले 7 साल का रिकॉर्ड। कारोबार और आपकी जेब पर असर डालने वाली बड़ी खबरें कौन सी हैं? मनी 9 में आप देखिए। आपको घर बनाने के लिए पूरी तरह से डेवलप प्लांट को खरीदने पर जीएसटी नहीं देना होगा। गोवा अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने इलेक्ट्रिक पोल्स, ड्रेनेज लाइंस और अप्रोच रोड के साथ प्लांट की बिक्री को जमीन की बिक्री माना है। इस लेन देन को जीएसटी के दायरे से बाहर कर दिया है। सरकार ने 1 अक्टूबर से M1 कैटेगरी वाहनों के लिए 6 एयरबैग को अनिवार्य बनाने का ऐलान किया है। M1 कैटेगरी में 5 से लेकर 8 पैसेंजर सीटिंग कैपेसिटी वाले वाहन शामिल होते हैं। ऑटोमोबाइल कंपनियों को अब एक बार फिर सेफ्टी को लेकर बदलाव करने होंगे, इससे वाहनों के दाम फिर बढ़ेंगे। सरकार इस बजट में एक निश्चित सीमा से अधिक क्रिप्टो करेंसी की खरीद बिक्री पर TDS या TCS पर विचार कर सकती है। इसके अलावा इस तरह के ट्रांजैक्शन को इनकम टैक्स रिपोर्टिंग के लिए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की श्रेणी में रखा जा सकता है। क्रिप्टो करेंसी की बिक्री से होने वाली आय पर 30% तक टैक्स लग सकता है। 1.75 लाख करोड़ रुपए वाले भारतीय स्मार्टफोन बाजार पर चीन का कब्जा है। वॉल्यूम के हिसाब से भारतीय स्मार्टफोन बाजार में चीनी ब्रांड की बाजार हिस्सेदारी 99% हो गई है। देश के स्मार्टफोन बाजार में चीनी ब्रांड्स की बाजार हिस्सेदारी साल 2015 में 32% थी। कच्चे तेल की कीमतों ने 7 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सोमवार को विदेशी बाजार में ब्रेंट क्रूड का भाव $86.29 प्रति बैरल की ऊंचाई पर पहुंच गया। फिलहाल ऑयल कंपनियां दाम नहीं बढ़ा रही हैं। चुनाव के बाद भी अगर कच्चा तेल महंगा रहता है तो पेट्रोल और डीजल महंगा होना तय है। कोविड वेव की पाबंदियों का व्यापार पर बड़ा असर पड़ रहा है। देश में कुल रिटेल व्यापार लगभग 150 लाख करोड़ रुपए का है। 1 जनवरी से 15 जनवरी तक इसमें 50% की गिरावट आई है। इस गिरावट की मुख्य वजह कोविड वेव में घबराहट, पड़ोसी शहरों से वितरण केंद्र पर सामान खरीदने न आना, व्यापारियों के पास पैसे की तंगी, उधार में बड़ी रकमों का फंसना भी है। कोरोना काल में भी ग्लोबल इन्वेस्टर्स का भरोसा इंडियन इकोनॉमी पर बना हुआ है। भारतीय कंपनियों ने इंटरनेशनल बॉन्ड के जरिए जनवरी के पहले 2 सप्ताह में $6 बिलियन यानी 45,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। इससे साफ पता चलता है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स का भारत की इकोनॉमी पर भरोसा बना हुआ है। सेबी ने कंपनियों के लिए शेयर के प्रायोरिटी अलॉटमेंट के जरिए धन जुटाने को आसान बनाते हुए मूल्य निर्धारण मानदंडों और लॉक इन अनिवार्यताओं में ढील दी है। सेबी ने लॉक इन अवधि में प्रवक्ता या प्रवक्ता समूह को प्रायोरिटी अलॉटमेंट के तहत आवंटित शेयरों को गिरवी रखने की अनुमति दी है। जेट एयरवेज के रिवाइवल की उम्मीद करने वालों के लिए अच्छे संकेत नहीं है। नियामकीय मंजूरियों में हो रही देरी ने जेट एयरवेज के प्रस्तावित रिवाइवल प्लांट की राह में एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। कॉमर्शियल ऑपरेशन शुरू करने के लिए जरूरी एयर ऑपरेटर्स परमिट अभी तक जारी नहीं हुआ है। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब, ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।